सालों से अधर पर लटकी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं यूपी के दो जिलों की तहसीलों को भी जमरानी बांध बनाने से सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, लेकिन इसकी कॉस्ट अधिक आने की संभावना है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि इसके निर्माण में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध में विषय में उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम भूमिका रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं अभिभूत हूं और गदगद हूं। जमरानी बांध के लिए माननीय नारायण दत्त तिवाड़ी जी, केसी पंजी, इला पंजी, बाबा जी, बल्ला जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बांध पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो, और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। लगातार मैं मॉनिटरिंग करते रहा, एक एक स्टेप करके देखते रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, 3 जुलाई 2019 को मुझे पहली बार संसद में जाने पर, पहले सत्र चलने पर, पहले ही बार में जमरानी बांध का जो सवाल है 0 आवर में उठाने का मौका मिला। ये मेरी मेडन स्पीच रही। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 15 दिन में उन्होंने तत्काल उत्तराखंड के अधिकारियों को बुलाकर सारी रुकावटों को दूर किया।